अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है। आप कह रहे हैं जगत की व्यवस्थाएं चलेगी कैसे, कि तुम पहले बतलाओ तुम्हें जगत में रहना है क्या? बोलो। देखो, जिस मकान को खाली करके जाना हो और जहां नया बना रहा हो, तो जहां बना रहा है ना वहां की तो चिंता करता है, जो खाली करके जाना हो उसकी चिंता नहीं करता। खाली करके जाना है उसे, अब उसकी परवाह नहीं करता उसकी। हमने देखा है होटलों में, क्या बोलते हैं, धर्मशालाओं में, गेस्ट हाउस में, ऐसे स्थानों पर जब ये जीव वहां से कमरा खाली करके निकलता है, क्या चादर तक सही नहीं करता है, कोई जोर जोर से पढ़ते हो, खाली करो, घटाओ, अपना कोई मतलब नहीं, करते रहेंगे जिसको जो करना है। हम तो खाली करके चले। अब ये कह रहे हैं कि जगत कैसे चलेगा? क्या कि जो रहेंगे वो चलाएंगे, हम तो चले। क्या अब हम चले, हम काय को चलाएं, हमें क्या लेना देना है, हमें क्यों इसकी चिंता करते रहे हम? अब हम जबरदस्ती खामखा की टेंशन। और देखो बात तो ये सही कह रहे हैं, क्योंकि दुनिया हमारी आपकी हालत इसी प्रकार की है, हमें जहां रहना नहीं है उसकी भी टेंशन खामखा में करते रहते हैं। अभी हम कहां से आया, पता नहीं कहां कितना जाता हूं, मेरे को याद नहीं है। मैं तो जाकर के आया और फिर उसके बाद में भूल जाता हूँ मैं कब गया था, कहाँ गया था, सब कदम कुछ नहीं। लेकिन मैं सुनता रहता हूँ लोगों से ऐसा, अभी सना बता पंच कल्याण के, तो इनको ये है ना, ऐसा करना चाहिए था, इनको ऐसा बनाना चाहिए, इस जगह पर ये ऐसा निर्माण कार्य हो जाना चाहिए, इनको यहाँ जहाँ सड़क तो होनी चाहिए कम से कम, अब तो जिंदगी में कभी दोबारा वहां जाएगा नहीं। तेरा कुछ लेना देना नहीं है उससे। और तुझे ये विकल्प आ रहा है, ये सीढ़ियां यदि थोड़ी सी 6 इंच भी यदि ज्यादा चौड़ी होती ना, तो फिर बात ही कुछ और होती। तुझे क्या लेना देना है, व्यवस्थापक जाने, कार्यकर्ता जाने, बनाने वाले जाने, रहने वाले जाने, वहां क्या, यहाँ जरूरत नहीं थी इनकी। अभी यहाँ जैन समाज के परिवार नहीं है, ज्यादा नहीं है, यहाँ मंदिर की जरूरत नहीं थी, इतना पैसा लगा दिया, ये कर दिया, कि तेरे से पूछा कोई राय ले रहा है? लेकिन देखो इसे कहते हैं जगत किससे परवाह करते, खावे सारे जगत की परवाह, सारे जगत के कर्तृत्व को अपने माथे पर लेकर के घूम रहा है। यहाँ मंदिर में देखेगा, ये ऐसा कर लो, उसको ऐसा कर लो, इसको ऐसा कर लो, यहाँ ये ऐसा हो जाना चाहिए, वहां वैसा हो जाना चाहिए। अरे तू अपने काम की तरफ ध्यान देना। जब तक तेरे दिमाग में ये पर पदार्थों के प्रति मोह और करने धरने की इच्छा बनी रहेगी, तब तक तू अनंत दुखी बना रहेगा। क्षेत्रों पर जाकर के, दुनिया भर में जाकर के, होटलों में जाकर के रहता हुआ, अब ऐसा कर लो, ऐसा बतला दो, ये कर लो। अच्छा, हम जिस होटल में रुके थे ना अभी, वहां वो होटल नहीं बन रही थी। क्या नहीं बन रही थी? पहली बार ही हम रुके थे उस होटल में, मतलब हमारे पहले और कोई नहीं रुका था। तो वो होटल का जो मालिक था, वो दिन रात लगा रहता था आगे पीछे कि साहब और क्या कमी है, क्या करना है, कोई सहयोग बतला दो। ये तो अब बतलाओ, आप उनको ये सहयोग बतलाओ कि यार ये जो प्लग है ना, ये इसकी जगह ऐसा करवा लेना। अब बतला तू दोबारा उस होटल में जाके रुकेगा? मैं सिर्फ अपनी मनोवृत्ति और अपने दिमाग को सुधारने के लिए कह रहा हूं, आप यदि इन व्यर्थ के विकल्पों से बचेंगे तो कितने निर्भर हो जाएंगे। आपको राजनीति की चिंता है, आपको सरकार की चिंता है, आपको सड़कों की चिंता है, आपको दुनिया भर के कार्यों की चिंता हो रही है, कहाँ कहाँ खेलों में क्या क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ व्यवस्थाएं कैसी कैसी है, ये जो पुलिया बन रही है ना यार, ये देखो इसकी, इनको ऐसा करना चाहिए, ये ऐसे नहीं, ये अभी अभी कितने सालों में बन के तैयार हुई, तब तक ऐसा हो जाएगा, इनको यहाँ से यहाँ तक बना देनी चाहिए। भैया तेरे से बहुत बड़े बड़े दिमाग वाले वहाँ बैठे हुए हैं,
वो लोग सब बैठते हैं, उनकी मीटिंग होती है, कॉन्फ्रेंस होती है, डिस्कशन होता है, प्लस माइनस विचार करते हैं क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, किसमें कितना क्या लगेगा, क्या होगा। दुनिया भर के विचार मंथन के बाद में वो सब काम होते हैं, और ये अकेला बैठा बैठा जवान हिलाता रहता है, दिमाग चलाता रहता है अपना। तेरा दिमाग खाली है क्या? दिमाग खाली के भी कई अर्थ होते हैं क्या? दिमाग खाली के क्या अर्थ? मैंने कभी कभी ऐसा कहा जाता है, इसकी टॉप फ्लोर खाली है, इसका मतलब खाली है का मतलब अब इसका दिमाग काम नहीं करता। ये बातें कह रहे, इच्छा मत रखो, मोह मत रखो, पर पदार्थों के प्रति विकल्प मत करो, क्योंकि तुम्हारा विकल्प पर में अकार्यकारी है, पर में अकार्यकारी है, अपने लिए अनर्थक है, पर के लिए निरर्थक है और अपने लिए अनर्थक है। ऐसा वाक्य ब्रह्मचारी रविंद्र जी साहब का, बड़े पंडित जी साहब का वाक्य है। तेरा जो विकल्प है ना, ये विकल्प पर के लिए निरर्थक है, अकिंचित करे, तेरे विकल्प से पर में कुछ नहीं होगा। यार ये इतना ऊपर ऊपर इन्होंने गोल्ड का काम कराया, ये नीचे भी थोड़ा सा कराते तो कितना सुंदर दिखता। इस मतलब नहीं, अब तेरे इस विकल्प से यार कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन क्या कह रहा है, विकल्प कर रहा है खाम खा का, ये पर के पैसा दे तो विकल्प आता है। हाँ, पैसा दे तो विकल्प आएगा, ठीक बात है। पैसा देवे जो कार्य करने वाले हो उन्हें करें, उसका कोई निर्देशन देवे, तब तो समझ में भी आता है, फिर भी काम होगा कि नहीं होगा। वो कह रहे हैं तेरा ये विकल्प पर पदार्थों के लिए निरर्थक है, क्योंकि इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा इन विकल्प से। पर के लिए तो निरर्थक है सात्विक, और अपने आप के लिए ये विकल्प अनर्थक है, अनर्थ करने वाले हैं अपना, मतलब अपना फ्यूचर बिगाड़ने वाले हैं, भविष्य बिगड़ जाएगा, नरक में, निगोद में, त्रियंज गतियों में, अपनी अज्ञानता के कारण एकेंद्रीय पर्यायों में, ये मोह, ये दर्शन मोह, ये मिथ्यात्व जिसे कहा है, ये ले जाएगा और रखड़ता रहेगा वहां जाकर के, डंडे पड़ेंगे, जूते पड़ेंगे, वहां जूते तो वहां होते नहीं है, सब नंगे पांव रहते हैं लेकिन हालत खराब है बहुत ज्यादा, दर दर की ठोकरें खाता रहेगा, ये हालत होगी। यदि यदि समझना चाहता है, यदि तू ये चाहता है, उनसे बचना चाहता है, तो ये कह रहे हैं मोह व्यर्थ, व्यर्थ है ये मोह, निरर्थक है माने व्यर्थ है, और अनर्थक है माने दुखदायक है। दोनों शब्द आ गए साहब यहां, क्या कहा? मोह व्यर्थ और दुखदायक है। इसका मतलब यह है मोह व्यर्थ है माने निरर्थक है, बेकार जाएगा तेरा मोह, काम नहीं आएगा। तू कितना भी मोह कर ले, पिताजी छोड़ करके जाएंगे, तू कितना भी मोह कर ले, बच्चे साथ नहीं रहेंगे, तू कितना भी मोह कर ले, ये शरीर तेरे साथ साथ नहीं रहेगा, कितना भी कर ले तू, तो ये निरर्थक है तेरा ये मोह, ठीक है। अब कह रहे हैं दुखदायक है, तो बोले फिर होगा क्या इससे, कि काम नहीं हुआ तो? बोले दुख होगा, कुछ नहीं होगा ऐसा मतलब ना, होगा क्या होगा, कि दुख होगा तुझे, ये दुखदायक है। विशेष बताएंगे, चलो पूरा करें इसको, क्या है और अभी तो दो एक श्लोक और है ना, छोटे छोटे दो ही है क्या, चलो फटाफट देखो आगे 68 नंबर का श्लोक देखो सब क्या कह रहे हैं। इन सब निर्जरा की चर्चा चल रही है, मैंने आप सोचना, निर्जरा शब्द की चर्चा, निर्जरा भावना हमने कई बार पढ़ी है, कार्तिकीय अनुप्रेक्षा के अंदर अपन ने बहुत विस्तार से महीनों तक एक एक भावना की चर्चा की, अपन अनित्य भावना की चर्चा कई महीनों तक, क्योंकि कितने साल डेढ़ साल चला होगा, जितना भी चला होगा ज्यादा ही चला है, तो इतने समय तक सिर्फ 12 भावनाओं की चर्चा हुई ना उसमें कार्तिकीय अनुप्रेक्षा में। लेकिन तो भी यहाँ वादीप सिंह आचार्य देव जो बात कह रहे हैं, हमने निर्जरा के संदर्भ में कितनी बार भावनाएं पढ़ी होगी, कितनी बार पंक्तियां पढ़ी होगी, लेकिन इस दृष्टि से कभी नहीं पढ़ा हमने। ये किस तरह का चिंतन प्रस्तुत कर रहे हैं, गुप्तेन्द्रिय क्षण आत्मन्यात्मान भावयन पश्य तत्सौख्य मास्तम निश्रेय साधिकम। हे आत्मन, क्या समझना सुबोध जी, क्या साहब पप्पू अंकल, क्या हे आत्मन, मैं
मेरी बात कह रहे, जितेंद्रिय होकर, वाह, जितेंद्रिय होकर आत्मा में, आत्मा के द्वारा आत्मा को क्षण मात्र अनुभवन करता हुआ तू उस सुख को देख, मोक्ष का सुख तो दूरी रहे, मोक्ष के सुख की छोड़ बात, क्या कहे, मोक्ष का सुख तो दूर रहने दे। कैसी बात कह रहे, उसको दूर रहने दे मतलब, अरे वो तो छोड़, तू तो अभी कर, ये मत विचार कर पंचम काल में मोक्ष नहीं है, अरे साहब पता नहीं क्या होगा, अब हम मरेंगे, मरे बिना स्वर्ग ही नहीं मिलता तो मोक्ष कैसे मिल जाएगा, आसान थोड़ी नहीं, तू तो उसको तो छोड़, उसकी बात मत कर, तू तो अभी एक काम कर कि साहब कैसे करूँगा, किसके द्वारा होगा, किसके सहयोग से होगा, किसके आधार से होगा, कितनी मेहनत और परिश्रम करना पड़ेगा। तो इन्होंने 3 बार ये बात कह दी, आत्मा के, आत्मा में, आत्मा के द्वारा और आत्मा को स्वयं के अनुभव करना है, निज माही निज के हेतु निज कर, आप को आप एक हो, गुण गुणी ज्ञाता ज्ञान गे मझार कछु भेद न रहो। शेराला की छठी डाल में है ये चर्चा, क्या लाइनें कहाँ से क्या कहाँ आती है, गजब की। देखिए क्या कह रही है, आत्मा में जानना है, क्या करना है भाई साहब, क्या करना है, अनुभवन किसका करना है, आत्मा में, और करना कैसे, जितेंद्रिय होकर, इसका मतलब है इंद्रिय सुख से दृष्टि को हटाओ, दृष्टि इंद्रिय सुख से हटी, पर से हटेगी दृष्टि तो अपने में जाएगी, तो दृष्टि वहां से हटाकर आत्मा में, आत्मा में, अभी अभी इसको है ना, ये जो आत्मा शब्द दे रहे हैं ना, कि आत्मा की जगह अपने करना, अपने में, अपने द्वारा, अपने को, अब क्या बात हो गई बोलो, अपने में करना है, अपने द्वारा करना है, साहब अपने में करना है, लेकिन कोई करा दो भाई साहब, आप थोड़ा सा करा दो, ध्यान करा दो ना, आप ध्यान करवाओ मेरे को थोड़ा सा, कि मैं ध्यान करवाऊँ, कि तुझे खुद को ही करना पड़ेगा, दूसरे के कराने से नहीं होता है, पूरे दुनिया भर में ऐसा चल रहा है, जैसे नहीं नहीं आप करवाओगे तो हम करेंगे, आप करवाओ, कैसे करवाओ, आप अनुभव करा दो ना थोड़ा सा, आप समय दर्शन करा दो ना हमारे, तो तू ऐसा नहीं कहता है कि मैं लड्डू खा रहा हूँ इसको तुम पचा लो ना, कि मैं पचा दूंगा बिल्कुल, तू चिंता मत कर, तू चुपचाप देखता रहे, मैं उठाऊंगा लड्डू को और इधर से रखूंगा और फिर पचा दूंगा बोल, करना खुद को ही करना पड़ेगा ना, दूसरा व्यक्ति क्या कर सकता है, ज्ञान स्वयं को करना है, श्रद्धा स्वयं को करना है, ध्यान स्वयं को करना है, किसका करना है, इतनी स्वाधीनता की चर्चा कर रहे हैं, इससे बढ़कर स्वाधीनता और क्या होगी बतलाओ, रंच मात्र पर की जरूरत नहीं है, अपने को जानना है, अपने में जानना है, अपने द्वारा जानना है, परतंत्रता का काम ही नहीं, इससे ज्यादा स्वाधीनता क्या होगी, आप काज महाकाज, देखो ऐसा अनुभव करता हुआ तू उस सुख को देख, ओहो आत्मा के अनुभव को देख, आंतरिक सुख को देख, अंतर में जो सुख है, अभी जो बातें सुनने पर जो सुख दिखाई देता है, यह सुख कषायों की मंदता का सुख है, मंदता का सुख है, यह आकुलता की कमी का सुख है, वो निराकुल सुख नहीं है, ये कषायों के अभाव का सुख नहीं है, भी कषाय अभाव नहीं है, यहाँ शास्त्र सभा में बैठकर, प्रवचन सभा में बैठकर जो तुझे किंचित आनंद की अनुभूति होती हुई दिखाई देती है, यह सब आनंद विकल्पात्मक आनंद है, ये कोई सच्चा आनंद नहीं है, ये कोई वास्तविक आनंद नहीं है, ध्यान में आ रही है बात, ये आनंद कुछ अपूर्व है, जिस आनंद की ये बात कह रहे हैं, उस सुख को देख अनुभव करता हुआ, आत्मा को क्षण मात्र अनुभव करता हुआ, अपने आप का अनुभव करता हुआ, इस बात को फील करता हुआ कि मैं कौन हूं, तू देख एक बार, मोक्ष का सुख तो दूर रहने दे, रहने दे मोक्ष का सुख, यही मोक्ष है, मोक्ष बाहर की कोई मंजिल नहीं, द्वार उसका आपके भीतर खुला है, इसलिए यही कह रहे हैं, ये जितेंद्रिय होकर, जितेंद्रिय होकर का मतलब बाहरी घुड़दौड़ को सब रोक दो और
भीतर देख लो क्या सिलसिला है, व्यर्थ ना इसको गवाओ इस कदर, बड़ी मुश्किल से ये मानव तन मिला। तो करूं क्या ये बता दो यार, जा रहा है तो अपने आप, तुमने तो कह दिया गवाओ मत, गवाओ मत, करूं क्या, समझ में नहीं आ रहा है। तो सुनो, डूब कर अपने में खुद को जान लो, जैन दर्शन की यही तो एक कला है। ये जैन दर्शन की अद्भुत कला है भाई साहब, अपने में डूब जाओ, अपने में समा जाओ, अपने आप को जान लो, अपने आप को पहचान लो। अपने अपने को जाने बिना, अपने को पहचाने बिना, आत्मा अपने आप की श्रद्धा बिना, अपने आप पर भरोसे बिना अनंत सुख प्रकट नहीं होता, केवली नहीं बनते, परमात्मा नहीं बने जाते। परमात्मा बनने के लिए क्या किया, लेविनाथ भगवान ने क्या किया, पार्श्वनाथ भगवान ने क्या किया, आदिनाथ भगवान ने क्या किया, महावीर भगवान ने क्या किया, जरा उठा करके देखो। और अभी ये बनने वाले हैं जीवनधर स्वामी, जरा देखना आगे बढ़ते हुए ये भगवान बनने के लिए क्या करने वाले हैं। ये विधि बतला रहे हैं ये नरजरा के माध्यम से। अपने में डूब जाओ, अपने में समा जाओ, कुछ नहीं, बाहर से दृष्टि हटा दो, आंखें बंद, चलना फिरना बंद, घूमना फिरना बंद, बोलना बंद, मन में आने वाले विकल्प बंद। यही विधि है, एक हो तृण काल वहां परमार्थनो पंथ, परमार्थ का एक ही मार्ग है त्रिकाल में। आज आपको मोक्ष जाना हो तो भी वही मार्ग है, हजार साल पहले जाना था तो वही था, अनंत साल पहले जाना था तो वही था, और कल जाना चाहोगे तब भी यही मार्ग है, हजारों साल बाद जाओगे तब भी यही काल यही बात है, और अनंत काल बाद में भी जब भी जाओगे ना रास्ता तो यही है। अब सुनो, जब एक ही रास्ता है और इस रास्ते का कोई शॉर्टकट नहीं निकलेगा तो फिर इंतजार किस बात का। जब हमें उस मंजिल पर पहुंचना है तो एक ही रास्ता है और रास्ता यही रहेगा। तीनों काल त्रण कालों परमारथनों पंथ एक होए, एक ही होता है, नहीं बदला जा सकता है, नहीं बदलता है। ये कह रहे हैं यहां पर भाई साहब, तू मोक्ष सुख को तो रहने दे, तू अपने को देख, हे आत्मन पढ़ो देखो फटाफट, मोक्ष का सुख तो अभी दूर रहने दो, जब मिलेगा तब मिलने दो, अभी तो तुम जितेंद्रिय बनकर, जित इंद्रिय, इंद्रियों को जीतकर, विषयों को जीतकर, भोगों को जीतकर, भोगों की तृष्णा को छोड़ संयम की साधना में चल पड़ो जैन साहब। अरे सब जैन साहब हैं अपन, चल पड़ो इस मार्ग पर, जितेंद्रिय होकर, जितेंद्रिय बनकर, आत्मा में आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान करो, अपने में अपने द्वारा अपना ध्यान करो, जिससे तुम्हें निष्प्रह स्वरूप साक्षात निराकुल सुख अनुभव में आएगा। ओहो, साक्षात निराकुल सुख का अनुभव होगा। ये साक्षात सुख कैसा है जानते हैं आप? ये साक्षात सुख वो सुख है जिसको सिद्ध भगवान भोग रहे हैं, ये साक्षात सुख वो है जिसे अनंत भगवान भोग रहे हैं, ये साक्षात सुख साधारण नहीं है। ये बातें करता है भाई साहब, आपको पता है मैं मेरे वही, ये जो मैं जैकेट सिलवाई है ना मैंने, ये मैं उससे सिलवाता हूँ जिसे मोदी सिलवाता है, नरेंद्र मोदी, ये जो जैकेट है ना ये उससे सिलवाता हूँ मैं भी जैसे नरेंद्र मोदी सिलवाता है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी सिलवाते हैं, ऐसा लगता है हमारे गौरव भी खुश हो गया, ऐसा है। मैं चाय वही पीता हूँ मैं तो उसी 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 कंपनी का, उसी कंपनी के जूते पहनता हूँ मैं, वो तू कहाँ कहाँ किससे उनसे जोड़ने की बात कहता है ना, उस जैसा उन जैसा वही काम, अरे साहब वही चीज, अपन तो वही चीज आती है अपने यहाँ, वो जो उनको सप्लाई करता है ना, क्या गेहूं वही हमारे को सप्लाई करता है, अपने तो न, ये तो ऐसा कहता है आप, मैं तो उस डॉक्टर से इलाज कराता हूँ जिस डॉक्टर से वो राष्ट्रपति इलाज कराते हैं, वही वही डॉक्टर आता है हमारे घर, वो फैमिली डॉक्टर है हमारा, बोलो आप। अच्छा तो क्या बात है, ये सुन भाई, ये कह रहे हैं यहाँ, साक्षात निराकुल उस सुख का अनुभव करेगा तू जिस सुख को भगवान भोग रहे हैं। अब किससे तुलना करके बतला रहे हैं, ये कौन से सुख की बात कह रहे हैं, ये बात कितनी गजब की है। देखो एक और श्लोक फटाफट, मिनट बचे हैं अपने पास में ढाई।
अनंत सौख्य महात्मोत्तम अस्ति यत्र हि सा प्रमा शांत स्वांतस्य या प्रीति है स्वसंवेदन गोचरा। ओ कैसे सुख की इन्होंने ये बात कह दी है भाई, शांत अंतःकरण वाले पुरुषों को, शांत अंतःकरण, अंतःकरण अपने में ही, स्व में ही अंतःकरण वाले पुरुषों को अपने अनुभव में आने वाली प्रीति ही आत्मा से उत्पन्न अनंत सुख है, निश्चय से इसमें यही प्रमाण है। क्या देखो, शांत चित्त मनुष्य अपने स्वसंवेदन ज्ञान से, स्वसंवेदन ज्ञान से, ये स्वसंवेदन ज्ञान अंतरोन्मुखी ज्ञान होता है। अब देखो बात किसकी चल रही थी, बात चल रही थी निर्जरा की। अभी निर्जरा में इन्होंने कितनी निर्जरा की चर्चाएं की, इन्होंने कहीं ये नहीं बतलाया कर्म जड़ेंगे, आते हुए कर्म नष्ट हो जाएंगे, पहले के बैठे हुए कर्म नष्ट हो जाएंगे, उन कर्मों को कैसे नष्ट करना, क्या करना, कुछ नहीं होगा, होगा अपने आप होगा। जैसे मैंने वो दौलत राम जी की बात कही थी ना अभी शुरुआत में, छंद नहीं सुनाया, निज काल पाए विधि झड़ना सासो निज काज न सरना तप करी जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख दर्शावे। अपने आप दीपेश जी कर्म का उदय आता है ना, फल मिलता है ना, फिर वो कर्म बंधा नहीं रहता, वो खिर जाता है, अपने आप निर्जरा हो जाती है उसकी, लेकिन वो काम का नहीं। अब जब सर पे डंडे, अब उसकी छुट्टी हो गई, जैसे देखो एक व्यक्ति को जेल की सजा हुई और कहा कि भाई 2 साल की सजा मिलेगी तुम्हारे को, अरे साहब छुड़ा दो साहब, छुड़ा दो साहब मेरे को, छुड़ा दो, कुछ उपाय कर लो, तू चिंता मत कर मैं तुझे छुड़ा दूंगा। क्या अब 1-2 दिन निकल गए, महीने निकल गए, 6 महीने निकल गए, साल निकल गया, 2 साल पूरे हो गए और जा करके उसने ताला खोला कि जा तुझे फ्री कर दिया। अरे अभी अभी इसमें क्या दम है, समय आने पर तो वो अपने आप ही गिर जाएगा, समय आने पर जिस कर्म ने फल दे दिया है वो तो अपने आप ही गिर जाएगा। इच्छा निरोध पूर्वक अपने आप को जान करके इस पुरुषार्थ पूर्वक जो कर्म निर्जरित होते हैं वो वास्तव में असली निर्जरा है, वो मोक्ष सुख और सच्चे सुख को दिखा देने वाली है, वो स्वसंवेदन ज्ञान पूर्वक होती है। तप करी, तप का ये तप भी क्या चीज है, देखो अभी तप की चर्चा कर रहे थे फिर इच्छा निरोध की बात कर दी। इच्छा निरोध है बाहर से मोह तोड़ना और अंदर में अपने प्रति अपनापन करना, इसका नाम तप है, ये है असली तप। जयसेन आचार्य कहते हैं प्रवचन सार महान ग्रंथ की टीका करते हुए आचार्य जयसेन स्वामी ने लिखा, स्वरूप विश्रांत निस्तरंग चैतन्य प्रतिपना तप है। अपने आत्म स्वरूप में निर्विकल्प होकर चैतन्य के साथ में जो लीनता का परिणाम है, निस्तरंग होकर निर्विकल्प होकर, उसका नाम तप है और वो तप स्व संवेदन ज्ञान से होता है। ये अनुपम आनंद का अनुभव करता है, वह आनंद का अनुभव ही मात्र आत्मा में ही सुख है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। माने जब वो तुझे सुख आएगा, जब वो सुख तेरे अंतर में प्रकट होगा तो फिर किसी प्रमाण की जरूरत, हिसाब क्या भरोसा, ये साहब ये जो है रसगुल्ला रखा हुआ है ये मीठा है, ये कैसे मालूम है कि तू एक काम कर, इसको तोड़, इसको मुंह में रख। ये साहब फिर भी यदि सुख नहीं आया तो क्या प्रमाण है कि तू करना, हम कह रहे हैं फिर किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। जब तू स्वयं अनुभव करेगा तो फिर किसी और प्रमाण की जरूरत महसूस नहीं होगी। ये आत्मा अनुभव से प्रकट में आने योग्य है, ये अतीन्द्रिय आनंद, आनंद भी आता है और निर्जरा भी होती है, और निर्जरा होती है और मुक्ति मार्ग में आगे बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है, और वो जो आनंद उत्पन्न हुआ था वे वृद्धिंगत होता हुआ पूर्णता को प्राप्त हो जाता है, और जब ये आनंद पूर्णता को प्राप्त होता है तो ये जीव लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो जाता है। कैसा है लोक और क्या है उसके स्वरूप की चर्चा ये करेंगे हम फिर आगे। मुंबई के एक साधर्मी भाई की ओर से इन प्रवचनों का प्रसारण किया जा रहा है।